सबे करबाबा से बुलंद हुए बात करें जना ने पेश कीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन नबी कलब पर जो जिक्र गैबी मिसाल आया कमाल आया। जिनको याद है वो तो पूरी नात मिलकर पढ़ेंगे, लेकिन जिनको नहीं याद वो क्या पढ़ेंगे मिलकर? कमाल आया। ये लफ्ज जरूर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह जब भी ये शेर से जुड़ेगा तो आपको शेर सुनने का पढ़ने का भी मजा आएगा। सब मिलकर बाबा जमन पढ़े नबी कलब पर जो जिक्र है मिसाल आया कमाल आया। बोलो नबी कलब पर जो जिक्र है मिसाल आया में याद बन कर ख्याल आया कमाल आया। जो बिजरे क़ैबा में याद बन कर ख्याल आया कमाल आया। और पिछली उम्मतें जो रात को गुनाह करती दिन में उनके चेहरों से जाहिर हो जाया करते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए दुआ फरमाई कि या अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी उम्मत के चेहरों से उनके गुनाहों को जाहिर न फरमाना कि तेरी दुआओं ही की बदौलत अज़ाब-ए-रब से बचे हुए है। तेरी दुआओं ही की बदौलत अज़ाब-ए-रब से बचे हुए हैं। जो हक में उम्मत के तेरे अब पर सवाल आया कमाल आया। जो हक में उम्मत के तेरे अब पर सवाल आया कमाल आया। बोलो नबी का लब जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया। और उमर की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान है आज काफिर भी जिनसे लर्जा। उमर की जुर्रत पे जाऊं किस राजन से लर्जा। उमर के आने से कुफर पर जो जवाल आया कमाल आया। बोलो उमर के आने से कुफर पर जो जवाल आया कमाल आया। चले जमीन पर कदम की आहट बहिश्त वालों को दे सुनाई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो वाहिद इंसानी कदमों की आवाज है जो जन्नत में सुनी गई। पूछा गया कि ये कौन है जो जमीन पर चलता है तो जन्नत में आवाज आती है। फरमाया गया कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को मर्तबा दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने कि जब वो जमीन पर चलते हैं तो उलमा और हुदे फरमाती है कि हम इनकी आवाज इनके कदमों की चाप को जन्नत में सुनते हैं।
कि चले जमीन पर कदम की आहट, बहिष्ट वालों को दे सुनाई, नबी का प्यारा गुलाम ऐसा बेदार आया, कमाल आया, नबी का प्यारा गुलाम जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिन अलजूदी वल करमी वालिही वबारिक वसल्लम वसल्ली अलैह। अब जो कलाम पढ़ रही हूँ, ये पहला जो शेर है ये उन लोगों के हवाले से है कि जिनके ईमान के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो लोग होंगे जिन्होंने न कभी मुझे देखा होगा, न कभी मुझसे मिले होंगे, लेकिन फिर भी मेरी मोहब्बत में ऐसे गिरफ्तार होंगे कि जहाँ मेरा जिक्र होगा तो इनकी आंखें नम हो जाएंगी। अरे चाय बढ़ जाए फिर बात करते। ये उन लोगों का ईमान है। सहाबे किराम से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप तो मुझे देखते हैं, दिन रात मेरे साथ रहते हैं, नमाज मेरे साथ अदा करते हैं, मुझे देख कर ईमान लाए ना, मैंने तुम्हारे सामने तालीमात बयान फरमाई फिर ईमान लाए। लेकिन वो लोग बड़े खुश नसीब होंगे, और अजीब कलम इस्तेमाल किया गया कि उनका ईमान इतना अजीब होगा कि ना वो मुझसे कभी मिले होंगे, ना मैंने उनके सामने तालीमात बयान की होंगी, लेकिन उनके दिलों में मेरी मोहब्बत ऐसी होगी कि जब जिक्र किया जाएगा या सुना जाएगा तो उनकी आंखें नम हो जाएंगी, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते होंगे। तो हमने आंखों से देखा नहीं है, मगर हमने आंखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कला में इलाही दिया, जिसने लाकर कला में इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। और फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये वादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आंखों से देखा नहीं है, मगर हमने आंखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। और हमने माना, हमने माना कि जन्नत बहुत है वसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है वसी, छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। दो वजूहात है इस शेर में ये बात कहने की। एक तो सबको मालूम है कि जन्नत में तो मदीना नहीं है, लेकिन मदीने में जन्नत कहाँ है इतना सोच रहे हैं, रियाज में जन्नत। और दूसरा
जो वजह तखलीक कायनात है, जहाँ वो मौजूद है मोमिनों की जन्नत वही है, है ना। हजरत रबीहा रजी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल किया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुबह वजू का पानी लेकर आया करते थे, उन सहाबी का नाम था हजरत रबीहा रजी अल्लाह तआला अन्हु। एक मरतबा बर्तन में पानी लेकर हाजिर हुए, दरिया रहमत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोश में था, फरमाते हैं मांगो रबीहा, क्या मांगते हो। बताए उनको सवाल कहाँ से आया है, अपनी ख्वाहिशात नहीं बताई, हमारी तो दुआओं में सबसे पहले हमारा घर कहाँ है, हमारे पास गाड़ी कौन सी है, हमारे पास फोन कौन सा है ना, हमें जॉब कहाँ चाहिए, हमारी तो यही सारी दुआएं चार पांच जो बेसिक है सबसे पहले हम यही मांगते हैं। लेकिन वो सहाबी है, हुजूर की सोहबत में रहे हैं, अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर जन्नत में आपका पड़ोस मिल जाए तो क्या बात है। एक जुमले में कितनी सारी दुआएं मांग ली, पता है जन्नत ऐसी तो किसी को नहीं मिल जाएगी, पहले तो शफाअत मिलेगी, शफाअत किसको मिलेगी, पहले बख्शिश होगी, बख्शिश किसकी होगी, जिसकी शफाअत होगी, शफाअत किसको मिलेगी, जिसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार करते होंगे, मोहब्बत फरमाएंगे, और जो उनका कुर्ब रखता होगा, जो जो जिंदगी में भी उनकी मोहब्बत रखता होगा, तो सारी चीजें एक साथ मांगी, और जन्नत भी मांग ली, फिर जन्नत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार न हुआ तो सहाबे किराम की मोहब्बत का तो ये आलम है कि वो कहें वो जन्नत में कैसे जाएंगे जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार न हो। तो इसलिए उन्होंने सारी चीजें एक ही साथ मांगी, उनकी जन्नत भी वही है जहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्यों तो जन्नत में सबने मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है, और जन्नत मदीने में मौजूद है, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। और छोड़ना तेरा पैवा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा पैवा गवारा नहीं, सारे आलम में ऐसा नजारा नहीं, मंजर जमाने में देखा नहीं, ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है, हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, मोहम्मद मदीने में मौजूद है। अगर आप लोगों की कोई पसंदीदा नाते हैं, कोई फरमाइशें हैं, तो वो भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। क्यों जिसके महफिल कौन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है, वो जिसके लिए महफिल कौन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी, ओ हाशमी मक्की मदनी उद अरबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, बोलो वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। किस दर्जा जमाने में थी मजलूम ये औरत, औरतों के पास टाइम ही नहीं है जिक्र करने का, बहुत अफसोस की बात है ये हमारे लिए।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीमात अता फरमाई कि जब अगर तुम घर में दाखिल हो, घर में बेटे और बेटियां दोनों मौजूद हैं, तो जो चीज लाओ पहले बेटी को दो। वरना मैं सच बता रही हूँ, आप और हम किसी गड़े में पड़े होते आज। जो इज्जत दिलवाई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हम हक तो कभी भी नहीं अदा कर सकते, लेकिन जो जबान अल्लाह ने दी है जिससे हम बातें करते हैं उससे जिक्र तो कर सकते हैं ना थोड़ी देर। फिर हम दोनों मिलकर बातें करेंगे, जब मैं कल खत्म हो जाएगी मैं भी बातें करूंगी, औरतों की कमजोरी नहीं, तो इसलिए सब मिलकर जिक्र में शामिल हो जाए। वो जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आज हम माए जब बनते हैं तो हम बड़े फख्र से कहते हैं ना, हमारा दर्जा 3 गुना ज्यादा है बाप से, है ना। कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अल्फाज हैं, किसी ने पूछा कि किसके ज्यादा, किसका ज्यादा हक है, माँ का या बाप का। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुम्हारी वालिदा का, फिर फरमाया तुम्हारी वालिदा का, फिर फरमाया तुम्हारी वालिदा का। तो हम ये इज्जतों का हक कभी भी नहीं अदा कर सकते जो उन्होंने हमें अता फरमाई। बेटियां पैदा हुई तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को जब घर में दाखिल होते सबसे पहले पेशानी पर बोसा दिया करते, जब वो आती तो खड़े होकर इस्तकबाल फरमाया करते। तो ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्जतें बरकतें हमें दिलवाई हैं, सब मिलकर उनके जिक्र में शामिल हो जाए। कोई भी आ रहा है थोड़ी देर के लिए सलाम दुआ को बड़ा उठा दीजिए। ये किस दर्जा जमाने में थी मजलूम ये औरत, फिर जिसकी बदौलत मिली सिवाय इज्जत और रिफत, वो दर पे जाए आपके हो
बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मकतब अफ्रीका के लोग हमें मिलते हैं और मुख्तलिफ सवाल करते हैं, कौन से मौलाना को मानते हो आप, फलाह की मस्जिद में तो नहीं चले गए, आपकी नमाज नहीं होगी, आपने उसको तो नहीं सुन लिया, आपने उसको तो नहीं मान लिया, तो शायर क्या कहते हैं, कोई भी पूछे ना एक ही जवाब देना है कि मैं अल्लाह ताला प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस आमद की
महीने की बरकत से हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। اللهم صل على سيدنا
فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. حضرت کے ایصال ثواب کے لیے جو لوگ دعا کرتے ہیں جو ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کو بہت پسند فرماتا ہے بہت نوازتا ہے. ایک شاعر نے اپنے والدین کے لیے دعا کچھ اس طرح سے لکھی ہے ہم بھی اپنے والدین کو اس میں شامل کر کے اس دعا کو پڑھتے ہیں کہ جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے جنت میں پیارے آقا کے صحابہ جہاں رہے یار یہ التجا ہے میرے بابا وہاں رہے اور جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہے جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہے یار میری دعا ہے ہاں یار میری دعا ہے میری ماں بھی یار میری دعا ہے میری ماں بھی وہاں رہ گئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارک وسلم وبارک وسلم. جہاں میں
में जश्न सुबह के ईद का सामान होता था। उधर शैतान कितना अपनी नाकामी पे रोता था। बाहर सोना मई सुलेला गूंजा बजाओ में खुशी मासूम कलियां मुस्कुराती थी। हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से कितने में सदाई अब्दुल्लाह के घर से मुबारक हो। मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ दे आए। मौला सल्लम दाइमन आबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौला सल्लम दाइमन आबदन خلقی کلینی وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس جان سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دے Mm-hmm.
जिब्रील अमी की रसाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम बतरी एक नजर के तालिब तेरी एक नजर के तालिब तेरे एक सुखन पर कुर्बान सल्ला तेरे एक सुखन पर कुर्बान दीजिए तेरे एक सुखन पर कुर्बान ये सब तेरे दीवाने ये सब तेरे दीवाने ये सब तेरे शहदाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम तू रही से रोज शफ़ात तू रही से रोज शफ़ात तू अमीर लुत्फ इनायत नबी जी तू अमीर लुत्फ इनायत है अदीब को तुझसे नस्बत को तुझसे नस्बत ये गुलाम है तू आकाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई या मोहम्मद नूर मंजूम तर्जुमा पेश करने के लिए कहा गया है। ये हुजूर की बारगाह में मिलकर पेश करते हैं। यकीनन आप सबको आता होगा कि साहिबे आज वो शाहिबे आज वो साहिबे आज वो शाहिबे आज वो साहिबे आज वो शाहिबे आज वो शेख सहारे साहिबे ताज वो शाहिबे राज वो साहिबे ताज वो शाहिबे राज वो इसम लिखा गया इसम ऊंचा हुआ इसम मोहरे कबूल शफात भी है इसम की बरकतें इसम की रौनकें इसम लौहो कलम की अमानत भी है या रब क्या अजम सबके सरदार है सबके सरदार कार मुकद्दस बदल हरम का पाक वो जो मुनावर करे वो महकती वो पाकीज़ा सीत के रंग साहिबे ताज वो शाहिबे राज वो साहिबे ताज वो शाहिबे राज वो सर से पैरों तक वो करम ही करम रब हिफाजत करे बिल यकीन आपकी उनकी खिदमत गुजारों में जिब्रील है और सवारी बुराते हसी आपकी सफर उनका है मेराज और सिदरतुल मुंतहा मुस्तकर और मकाम उनका है काबा वासे काबर
शागे मेरा जगो और मतलूब ही उनका मकसूद है और मकसूद ही उनका मौजूद है। आप सारे रसूलों के सरदार है, आपका सिर्फ अल्लाह माबूद है। लेकिन हमें तहे दिल से हुजूर की बारगाह में पेश होना है, तभी हम पर रहमत की नजर होती है कि मुझे तेरी चश्मे उस अति सहरा
कि तेरे बस, कि तेरे बस मेरे कतरे को भी दरिया करना, मुझ पे भी चश्मे करना। जिसने जिस रंग में चाहा मुझे रुसवा करना, जिसने जिस रंग में चाहा मुझे रुसवा करना, मुझ पे भी चश्मे करो। सारी उम्मत की शफाअत तने तन्हा करना, सारी उम्मत की शफाअत तने तन्हा करना, मुझ पे भी चश्मे करो। कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना, कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना, मुझ पे भी चश्मे करो। मैं कोयल हूँ मेरा बाग मदीना, मैं कोयल मेरा बाग मदीना, सल्लल्लाहु कोई अगमन को पाए, कैसे कोई अगमन को पाए, सामने हो जब तू है मेरे बाग में गूर मलाइक मेरे बाग में गूर मलाइक शाम सवेर आते गए, आँख पे मलते खाक जहाँ
मोहम्मदी से अल्लाह क्यों आ गए मलबे है राती तस की वही रह गई मोहम्मदी दिल वही रह गया वही रह गई हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई दिल वही रह गया वही रह गई हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई याद आते हमको शामो सहर वो सुकून दिलो जानो रूहो नजर ये उन्हीं का करम है उन्हीं की अता एक कैफियत दिल नशी रह गई दिल वही रह गया जा वही रह गई हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई अल्लाह का दुरूद ओ सलाम अल्लाह का सुजूद ओ कयाम सुकून आखरी रह गई दिल वही रह गया जा वही रह गई हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई और काश आते ना बहजाद हम लौट कर जिंदगानी वही काश होती बस काश आते ना बहजाद हम लौट कर और पूरी हुई है तमन्ना मगर ये तमन्नाए कल्ब हज़ी रह गई मदीने से अल्लाह क्यों आ गए कल्बे है
हमारे सभी को प्यारे प्लीज थोड़ा सा थोड़ा सा वो जो आप पढ़ते हैं थोड़ा सा हमारे क्यों एक सुना देना कोई बात नहीं ताप है हर नजर दोनों आलम के सरकार आ जाइए दोनों आलम के सरकार आ जाइए चांदनी रात है और पिछला पहर चांदनी और पिछला पगर दोनों आलम के सरकार आ जाइए दोनों आलम के सरकार आ जाइए अब तो आ जाइए अब तो आ जाइए दीजिए बारवर दीदे शौक को दीजिए बारवर दोनों आलम के सरकार मेरी पसंद की कोई ना सुना अब तक क्या सुना रही थी अब तक है देखो जरा ना मेरा ख्याल नहीं कर रही थी मेरे साथ आप हमारा ख्याल कर रहे हम भी बहुत दूर से बस अब सलाम Thank you.
सलाम कर लूंगा, दोनों सलाम कर लूंगा। ये थोड़ा सा उस मोहम्मद हमारे